Hello everyone and welcome to our channel Desi, Couple or The Go, जिसमें मैं और सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे places और अभी हम लोग हैं Paris में और इस video में हम बताने वाले हैं वो neighborhood जहाँ पे हम लोग रुके हैं अपनी Paris trip के लिए तो अगर आप अपना Paris का trip plan कर रहे हैं या कभी future में करेंगे तो फिर ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से नेबरहुड में अपना अपार्टमेंट या होटल बुक करना चाहिए सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस नेबरहुड एंड फाइंड आउट कि आखिर वो क्या रीजंस हैं जिसके कारण हमने ये अपार्टमेंट बुक किया और ऑफ कोर्स वीडियो के आखिरी में हम हमारा अपार्टमेंट भी दिखाएंगे बट नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल पेरिस नेबरहुड लेट्स गो हम लोग पेरिस तो कल रात को ही आ गए थे मगर घूमने सिर्फ आज शाम को निकले क्योंकि दिन भर हमारा चल रहा था ऑफिस तो हम लोग का प्लान ये है कि दो दिन हम ऑफिस से काम करेंगे ऑफिस का काम करेंगे और फिर छुट्टी लेंगे और फिर इवनिंग में पेरिस को एक्सप्लोर करेंगे और बाकी जब छुट्टी लेंगे ना तब तो करेंगे ही बट हम जा रहे थे हमारे घर और जहाँ हमारा अपार्टमेंट है वहाँ से शॉपिंग स्ट्रीट पर और आप देखेंगे ना वो भी पूरा एरिया कितना सुंदर है ये बिल्डिंग देखिए एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल इन पेरिस कहीं भी खड़े हो जाए और पिक्चर खिंचा ले इस नेबरहुड में जो मेट्रो स्टेशन है वो ये है और इसका नाम मैंने लिख भी दिया है मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि अगर मैंने बोला तो बहुत ही बुचर हो जाएगा और अगर मेट्रो स्टेशन है तो आप पूरे पेरिस में कहीं पर भी जा सकते हैं और सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं सुंदर सी ये एक्चुअली एक चर्च है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है पूरा नेबरहुड ही इतना सुंदर है ना ये तो सिर्फ एक बिल्डिंग है जो आर्किटेक्चरली कितनी सुंदर सी दिख रही है बट और भी यहाँ पे इतनी सारी सुंदर से लेन्स हैं तो हम एक्सप्लोर करते हैं और इस एरिया को मेगा क्या है डिनर में क्या खाना खाने वाले हैं आप लोग आज डिनर में पता नहीं हमारे नेबरहुड पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं कहीं ना कहीं बैठ के खा ही लेंगे यही होता है जब हम लोग करते हैं Work from vacation. घर में होते तो अभी अपन लोग थक गए होते और बना रहे होते दाल चावल बना रहे होते सब बैठ के टीवी देख रहे होते बट दाल चावल मेरा फेवरेट है सो मैं उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी बट अभी हम कुछ भी खा सकते हैं बाहर शॉपिंग स्ट्रीट तो उस तरफ है बट यू नो 10 मिनट में हम लोग कहाँ पहुँच गए लूवर म्यूजियम के एंट्रेंस पे तो पहले सोचा क्यों ना लूवर म्यूजियम का एंट्रेंस देख लिया जाए फिर जाके शॉपिंग स्ट्रीट देखी जाएगी क्योंकि अगर आप मुझे और सौरभ को जानते होंगे तो हम शॉपिंग इतना करते नहीं है तो पहले इंटरेस्ट है हमारा लूवर म्यूजियम के एंट्रेंस को देखकर वहां आराम से पिक्चर्स खिंचाने का फिर जाएंगे हम लोग शॉपिंग स्ट्रीट लेट्स गो पहले इधर How is it looking, Megha? हमेशा क्या होता था ना कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पेरिस घूमने आ रहे हैं बट ना बिल्कुल ऐसे टाइट पैक शेड्यूल से आते हैं ना कि दो दिन तीन दिन में ख़त्म करना है तो बस यहाँ आते थे मैं तीन बार तो इस लूवर म्यूजियम को देख चुकी हूँ यहाँ आते थे यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर से एंट्रेंस से आप जाते हैं अंदर जल्दी जल्दी देखते हैं और फिर चले जाते हैं तो अभी क्या हो रहा है ना आराम मुझे कुछ जाना नहीं है कहीं ना इसके अंदर जाना है ना कहीं और जाना है सो आराम से खड़े होके आई एम जस्ट Enjoying the beauty of it क्योंकि अंदर से तो देखा है बट बाहर से भी ये बिल्डिंग कितना सुंदर है And that's why we are calling it one of the best neighborhood to stay क्योंकि आप आराम से यहाँ को enjoy कर सकते हैं इस और घूम सकते हैं beautiful place को
The glowing pyramids of Louvre Museum. यहाँ पे सब ना ऐसे आराम से बैठे हुए हैं और जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं. नो टूरिस्ट, लाइक लेस टूरिस्ट. टूरिस्ट हम हैं. Let me show you something breathtaking, which is this beautiful building. ये क्या है आपको पता है? ये है world famous opera house. ये दुनिया का सबसे सुंदर opera house है ऐसा माना जाता है. और दिख भी रहा है कितना सुंदर है. और जो ये लोग जा रहे हैं ना नीचे, ये actually metro station के लिए नीचे stairs जा रही है. Metro station है, but हम metro से नहीं आए, अभी भी हम walk करके ही आए. कुछ 15 मिनट्स का वॉक होगा और ये ओपेरा हाउस दिख गया. और इस ओपेरा हाउस के चारों तरफ जो लेन्स जा रही है वो है शॉपिंग स्ट्रीट. आपको मिड रेंज से लेके हाई रेंज सारे टाइप के शॉप्स दिख जाएंगे. बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो शॉप्स हैं ना, ये 6 o'clock पे बंद हो जाते हैं. तो सारी शॉप्स बंद है, हम कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते, बट वी डोंट रिग्रेट इट एज वेल. वैसे पैरिस आए ना तो मैं कुछ शॉपिंग तो करूँगी, और जब करूँगी तब दिखाऊँगी भी. But look at this beautiful opera house. थोड़ा पास जाके भी दिखाते हैं आपको. Let's go और पास. कैसा लगा आपको ओपेरा हाउस? है ना बाहर से इतना सुंदर. वैसे अंदर भी जा सकते हैं, बट अंदर जाने के लिए टिकट लगती है और अभी बंद है. अब लग रहा है बहुत सारा भूख और हमारे नेबरहुड में है बहुत सारे रेस्टोरेंट है यहाँ पर. तो अभी फटाफट सर्च करते हैं गूगल पे कि कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है आसपास, क्योंकि जो हमने खाया था वहाँ नहीं जाना है. वहाँ पे जो पास्ता खाया था वो ओके ओके ही था, बट अब वहाँ नहीं जाना है. तो जैसे सौरभ बोल रहा है, इंटरनेट पे सर्च करेंगे और खाएंगे कुछ अच्छा खाना. होपफुली अच्छा खाना मिल जाए. सो नाउ फाइंड आउट व्हिच रेस्टोरेंट वी गो. लेट्स गो. बहुत सारे रेस्टोरेंट ढूंढने के बाद वी फाइनली जीरोड इन ऑन थाई रेस्टोरेंट. बहुत दिनों से थाई नहीं खाया. पहले मन था जाने का मैक्सिकन रेस्टोरेंट, मगर मैंने कहा नहीं, दो बार ऐसा हो चुका है कि हम लोग गए हैं मैक्सिकन और हमें वहाँ पर खाना नहीं मिला है या अच्छा नहीं मिला है. सो आज ट्राई नहीं करेंगे. आज जा रहे हैं हम लोग थाई रेस्टोरेंट आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. और हम अगर यहाँ हमको नहीं मिला टेबल तो हमने लेबनीज भी बुक कर रखा है. तो अगर यहाँ मिल जाएगा तो लेबनीज वाला कैंसिल कर देंगे. लेबनीज में भी बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शन होते हैं. तो वहाँ खाएंगे जरूर हम अपने ट्रिप में. मे बी टुमारो. मे बी टुमारो. इतना अच्छा लग रहा है, इतनी भीड़ है ना पेरिस में, जस्ट लाइक बॉम्बे. हाँ एक्चुअली सो ट्रू. सो हम लोग थाई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे और थाई रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा भटक गए और हमको दिख गया पीछे रेस्टोरेंट जिसका नाम है जुगाड़. तो हमने सोचा ये सही में जुगाड़ ही लिखा है कि भाई ये कोई पेरिस मतलब फ्रेंच में वर्ड होता होगा, हम ढंग से पढ़ नहीं पा रहे. फिर इंटरनेट पर सर्च किया तो इट्स एन इंडियन रेस्टोरेंट जुगाड़. तो किसी को बहुत भूख लगी हो. वैसे ही हमारा ये सिर्फ सेकंड डे है, एक्चुअली फर्स्ट फुल डे है पेरिस में. तो ऐसा कुछ क्रेविंग नहीं हो रही थी इंडियन खाने की, मगर ये नाम देख के और दिख रहा है और भूख लग रही है. और अभी कहाँ, और जब ये ना वो 500 मीटर और दूर दिखा रहा है, तो फिर सोच रहे हैं कि जुगाड़ में अपना जुगाड़ बना ले. तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पहले टेबल मिल भी रही है कि नहीं. लेट्स गो इन. दिस इज स्टिल अ की क्वेश्चन कि टेबल मिलते हैं कि नहीं. लेट्स फाइंड आउट. जगह मिल गई और म्यूजिक इतना लाउड चल रहा है ना, ऐसे कोने में जगह मिली है, पूरा जगह भर गया है. और रेस्टोरेंट का नाम जुगाड़ ही है और इंडियन रेस्टोरेंट है, बट मेन्यू के ऑप्शंस वर वेरी वेरी लिमिटेड. सिर्फ 4-5 ऑप्शंस ही थे. और क्या ऑर्डर किया है ना हमने वो आता है तब आपको बताते हैं. तो थाई इज कैंसल, वी वेंट फॉर इंडियन जुगाड़.
बहुत ही फास्ट सर्विस थी, दो तीन मिनट में आ गया. और ये आया है, दिस इज नान. इसके अंदर ये है एक्चुअली वेजिटेबल्स भरे हुए हैं इसके अंदर, और ये गार्लिक नान है. एंड डू यू सी आलू क्रिस्पी वाइट्स है आलू के, और दाल मखनी है, और एक और दाल मखनी और राइस ऑर्डर कर दिए क्योंकि हमें लगा पोर्शन कम है. सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी. Oh, it's hot. Price ki tarah hai. Crispy. डिनर डन, भर गया है बहुत ज्यादा पेट. जा रहे थे थाई, खा लिया इंडियन. वैसे इस रेस्टोरेंट का नाम जुगाड़ है, और सही में जुगाड़ ही टाइप रेस्टोरेंट था. तो दाल मखनी वॉज ऑसम, दाल मखनी. बट बाकी कुछ ऑप्शंस नहीं थे. हम लोगों ने जो आलू मंगाया था वो भी क्रिस्पी आलू था, जैसे फ्राइज होते हैं. तो दाल मखनी अगर आपको अच्छी लगती है तो यू कैन गो टू दिस रेस्टोरेंट. फिर हमने बाद में उस पर राइस भी मंगाया. तो दाल राइस अगर आपको खाने हो तो बहुत अच्छे थे. नान भी अच्छी थी वैसे. But there was no sabji for vegetarian. Yeah. So it's not a typical Indian restaurant. It's very different. And it's actually it was for French people. हाँ. क्योंकि सब options हैं. अच्छा लगा actually में. But not a typical Indian restaurant जिसमें आपको बहुत सारे options मिले. अब चाहते हैं हम हमारे apartment की तरफ. मेगा, are you forgetting something? नहीं तो सब लोग बोलेंगे. मेगा bill नहीं बताया. Bill. Very important. नहीं तो सब बोलते हैं कितने पैसा लगा, कितने पैसा लगा. 46 यूरो का बिल. क्योंकि हम लोगों ने दो दाल, एक राइस, दो नान और एक ड्रिंक मंगाया था. एक अच्छी ड्रिंक थी वो भी. हाँ, अच्छी थी. मैंगो फ्लेवर के साथ ऑसम लग रहा था. तो सब कुछ मिला के 46 यूरो का बिल आया. अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ और दिखाते हैं वहाँ का वाइब. और हमारे नेबरहुड में है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट रेस्टोरेंट्स. और इस कारण जो लेन है ना, उसमें जो वाइब है, इट्स अमेजिंग. लेट मी शो यू. और उधर से अभी लेजर लाइट आता है आईफल टावर का. सो आईफल टावर भी दूर नहीं है, बट आज नहीं जा रहे. पहले आपको दिखाते हैं हमारा जो स्ट्रीट है उसका वाइब. लेट्स गो. बिल्डिंग की लिफ्ट देखी आपने? ये छोटा सा बॉक्स है. वैसे पेरिस में है ना, मोस्टली लिफ्ट होती नहीं है, और अगर होती है तो ऐसे छोटा सा बॉक्स है, और ऐसे स्पाइरल स्टेयर्स जा रही है, और ये बॉक्स उन स्पाइरल स्टेयर्स के हैं, ऐसे ऊपर जा रहा है. तो आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं, बट ऐसा जा रहा है छोटा सा बॉक्स. लेट मी ओपन. सो सी स्पेस कितना है. सिर्फ मैं फिट हो गई एंड नाउ सौरभ अंदर आ गया, और अब हम दोनों ऊपर जा रहे हैं छोटे से उसमें से. ऐसे धीरे 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 चलता है वो. एक्चुअली लिफ्ट है वो ही अच्छा है. तो अपना बैग लेके ना पूरा ऊपर तक जाना पड़ता है, विच इज अ टॉर्चर. अभी लिफ्ट से ऊपर पहुंच गए वापस अपार्टमेंट में. कितने बज गए? 10:30. और वापस लेट हो गया आज. लेट हो गया. और आपको अपार्टमेंट दिखाएंगे, बट दिखाएंगे कल मॉर्निंग में. तो आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अभी टाइम है सोने का, थोड़ा थक गए हैं, और कल फिर वापस मॉर्निंग में उठ के बाहर ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, और अ डे इन आवर लाइफ पेरिस में शूट करने वाले हैं. तो अगला वीडियो भी देखिएगा, वो ऑसम होने वाला है. और ये वीडियो को तो देखते रहिए, क्योंकि मॉर्निंग में दिखाएंगे आपको ये अपार्टमेंट. Bye. Good night. See you tomorrow. So welcome to our apartment finally. और ये देखिए पहले ये डोर देख रहे हैं आप. सबसे मज़ेदार है इसका जो हैंडल है या बीच में है. फ्रेंच डोर्स की ये खासियत है, यूजुअली यहाँ होता है ना हैंडल, फ्रेंच डोर्स में बीच में होता है. But come into our apartment in Paris. Yeah. So we are inside. यहाँ बुद्धा रखा हुआ है, और दिस इज द किचन.
and it has got all the equipments. It's well equipped, sab kuch available tha, microwave, fridge, everything was there. And this was our working station. Hum yahan baith ke kaam kar rahe the pure time. और ये जो है ना इस मिरर में पतले दिखते हैं बिकॉज ये ऐसे खुद ही है ना सब ब्रोकन है इधर से तो ऐसा लगता है कि पतले हैं बट असली में नहीं है एंड ये हमने ऑलरेडी पैक कर दिया है बिकॉज वी आर लीविंग दिस अपार्टमेंट नाउ और ये था हमारा लीविंग रूम ये है एक सोफ़ा एंड दिस वॉज अ काउच और जो यहाँ का ओनर है उसने बताया कि ऐसा ही सेम काउच जो जब फर्स्ट टाइम बना था ना तो यहाँ के पैलेस में बना पैलेस के क्वीन के लिए बना था और इसका नाम ही बताया उसने पम्पकिन काउच सो दिस इज द पम्पकिन काउच टेलीविजन एंड नेटफ्लिक्स है एंड द फ्रेंच विंडो द फेमस फ्रेंच विंडो क्या सा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ना उसमें उसको बोलते हैं फ्रेंच विंडो और बाहर का व्यू कुछ खास नहीं है और घर ही दिखते हैं एंड देन Now comes the bedroom. आप सोच रहे हैं कि पेरिस के मेन एरिया में आपको ऐसा मिल रहा है जहाँ लिविंग रूम भी है किचन भी है और बेडरूम भी है यूजुअली ऐसा होता नहीं है तो दिस इज द बेडरूम एंड लॉट्स ऑफ मिरर्स तो फिर यहाँ के आपको पता चल जाता है आप कितने कितने मोटे दिखते हैं उस मिरर में से आने के बाद बट दिस वॉज आर बेडरूम एंड सबसे बेस्ट बात था इस अपार्टमेंट का कि जो ओनर था ही वॉज सो सो फ्रेंडली एंड सो वेलकमिंग और इतने बार उन्होंने फ़ोन लगा के हमसे पूछा एवरीथिंग इज़ फाइन उन्होंने सजेशन भी दिया कि यहाँ रेस्टोरेंट पे चले जाओ यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं सो दिस अपार्टमेंट वॉज रियली गुड सो इफ़ यू वॉन्ट टू कम टू पैरिस आइदर बुक दिस अपार्टमेंट और अगर ये अपार्टमेंट नहीं मिलता है तो भी आप इस नेबरहुड में रह सकते हैं कहीं और रह लीजिए बट ये नेबरहुड इज़ रियली गुड और ले आल करके बोलते हैं इसको लिख भी दिया है मैंने तो आप चेक कर सकते हैं यहीं पास में मेट्रो स्टेशन है और सारे जो साइट्स हैं वो दिखाए मैंने आपको कितने पास हैं सो बुक इट हाँ इस नेबरहुड के बाहर रहना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन क्योंकि तब आप पेरिस के आउटस्कर्ट्स में रहेंगे एंड दैट कैन बी मोर इकोनॉमिकल बस ये होगा कि आपको हर बार आना पड़ेगा मेट्रो से तो हम लोग जो हमारे प्रीवियस ट्रिप्स में जब रहते थे तो बाहर ही रुके थे और मेट्रो से आते थे और जो भी टूरिस्टिक साइट थी वो देखते थे और वापस चले जाते थे सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन Depends on what do you want from your trip. So let's end this video. And आपको कैसा लगा हमारा ये neighborhood का where to stay in Paris? Do let us know in the comment section. And इस video को like करिएगा और सबके साथ share करिएगा अपने social media account पे share करिएगा because we have put a lot of efforts to make this video. See you in our next video. Till then, bye bye. और Instagram और Facebook पे तो like कर रहा है ना? Follow कर रहा है? नहीं कर रहे तो अभी करिए. Bye.